गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन और आंसर आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन जो आंसर मैं बताऊँगा, ये आपके बी ए बी एस सी एंड बी कॉम में कंपलसरी आने वाले हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर में। ओके, तो दोस्तों ये क्वेश्चन और आंसर जो आपको इंड तक देख लेना है, क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन और आंसर मिस ना हो। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना की थी, इसका सन क्या है? सुगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है द, यानी कि 1980 ईस्वी में। ओके, सुगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण केवल क्षीण नहीं होता, वरण क्षतिग्रस्त हो जाता है, यह कथन किसका है? सुगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आ, यानी कि सी, मार्स का। ओके, सुगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पृथ्वी के सभी जीव मिलकर बनाते हैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है बा, यानी कि जैव जगत बनाते हैं, सारे पृथ्वी के जीव जो हैं वो जैव जगत बनाते हैं। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का तत्व तो नहीं है? सो गाइस का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आ, यानी कि भू स्वरूप। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक पर्यावरण का कौन सा अंग नहीं है? सो गाइस का राइट आंसर जो हो जाएगा वो है पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फियर स्थित है, सो गाइस का राइट आंसर जो हो जाएगा वो है बा, यानी कि ट्रोपोस्फियर के ऊपर। ओके, ट्रोपोस्फियर के ऊपर। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्जात बलों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? सो गाइस का राइट आंसर जो हो जाएगा वो है सा, यानी कि सौरिक बल। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? सो गाइस का राइट आंसर जो हो जाएगा वो है सा, यानी कि मिट्टियाँ। मिट्टियाँ जो हैं वो भौतिक वातावरण के तत्व नहीं है। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के घटकों में आप किसे सम्मिलित करेंगे? सो गाइस का राइट आंसर जो हो जाएगा वो है द, यानी कि उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का मतलब हो जाएगा आजल एंड बा, वायु एंड मृदा, ये तीनों को सम्मिलित कर सकते हैं पर्यावरण के घटकों में। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक वातावरण का कौन सा एक अमूर्त तत्व है? अमूर्त। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक वातावरण का कौन सा अमूर्त तत्व है? सो गाइस का राइट आंसर जो हो जाएगा वो है सा, यानी कि अवस्थिति। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक वातावरण के भौतिक तत्वों में सम्मिलित नहीं है, कि क्या सम्मिलित नहीं है भौतिक तत्वों में? सो गाइस का राइट आंसर जो हो जाएगा वो है सा, यानी कि सिंचाई के साधन। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतल का कितना प्रतिशत भाग महासागरीय जल से आच्छादित है? सो गाइस का राइट आंसर जो हो जाएगा वो है द, यानी कि 71.6%। ओके, यानी कि 71.6%। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पादप और जंतुओं के अस्तित्व के लिए सबसे उचित है? सो गाइस का राइट आंसर जो हो जाएगा वो है द, यानी कि जीव मंडल। जीव मंडल जो है वो पशु और जंतुओं के पादप के अस्तित्व के लिए सबसे ज़्यादा उचित है। सो गाइस उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और नहीं आया तो डिसलाइक करें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।